हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो के साथ ही भैया कंप्यूटर ग्राफिक्स इस सब्जेक्ट में पॉलीगॉन से जुड़ी हुई डिटेल्स को हम समझने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं उसको समझने की। पॉलीगॉन इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं आपको कि भैया आखिर पॉलीगॉन क्या चीज़ है, उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में पॉलीगॉन से जुड़े हुए और भी कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स, मुद्दे, एल्गोरिदम्स जो हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, वो अपन देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन पहले तो भैया ये प्री रिक्विजिट है, इसको समझना जानना बहुत जरूरी कि आखिर पॉलीगॉन क्या है, फिर ही तो आगे जाके अपन उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस वगैरह करने वाले हैं वो आगे चलने की बात है। पहले पॉलीगॉन को समझना है, पॉलीगॉन क्या चीज है। तो भाई ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन, ये भी, ये भी, ये भी पॉलीगॉन। कॉमन पॉइंट क्या है इनमें, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट अमंग दीज ऑल, क्या है वो? ये है लाइन सेगमेंट्स, बराबर है ना। लाइन्स, बहुत सारे लाइंस को मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर, इसे अपन कहते हैं पॉलीगॉन। और एक दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि इट मस्ट बी क्लोज्ड सर्किट, इट मस्ट बी अ क्लोज्ड सर्किट। तो अब मैं अच्छी तरीके से आपको आसान तरीके से पॉलीगॉन को डिफाइन करके बताता हूं कि पॉलीगॉन क्या है। इट इज बेसिकली क्लोज्ड स्ट्रक्चर कह लो, एक क्लोज्ड सर्किट कह लो, विच इज मेड अप ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स, विच इज मेड अप ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि यहां पे 3 लाइन सेगमेंट्स है, बराबर है, और यहां पे आप देख सकते हो ये क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड और ओपन क्या होता है भाई साहब, ये मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। ये क्या है? ओपन है। इसे क्लोज कैसे किया जाए? तो अपन क्या करते हैं कि अगर मैंने पॉलीगॉन की लेट से बनाने की शुरुआत इस पॉइंट से की थी, और ये क्या है मेरा एंड पॉइंट है, इसके आगे मैं और कोई पॉइंट्स कंसीडर करने वाला नहीं हूं, और कोई लाइन सेगमेंट्स कंसीडर करने वाला हूं नहीं, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है अपन क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कोई भैया गैप ना रहे, कुछ ओपन ना रहे, बराबर है। अब ये मेरा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। और ऐसे ही क्लोज सर्किट को विच इज मेड अप ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स, उसे अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में पॉलीगॉन, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉलीगॉन का फंडा क्लियर। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं भैया पॉलीगॉन के। तो एक टाइप होता है सिंपल पॉलीगॉन, एक होता है सिंपल पॉलीगॉन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन, एक और टाइप होता है जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक और होता है जिसे बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब इन चारों को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं अपन डायग्राम के माध्यम से, मैं कुछ नहीं लिखने वाला बोर्ड पे, ओके, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब ये जो पॉलीगॉन है, ये है सिंपल पॉलीगॉन, ये है सिंपल पॉलीगॉन, ये है सिंपल 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 सिंपल, ये सिंपल पॉलीगॉन है। क्यों सिंपल पॉलीगॉन है, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बताऊंगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन, लेट से एक कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या है भैया, एक तरीके से डॉट्स है कुछ ये इस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बनाने वाला हूँ, जैसे जो पॉइंट्स है उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये लाइन सेगमेंट्स में बना रहा हूँ। ये बन गया मेरा एक सितारा, तारा बन गया भाई यहाँ पे। अब ये जो है, ये है कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन और ये है सिंपल पॉलीगॉन। अब जरा ऑब्जर्व करो भैया इनमें क्या अलग है, ऑब्जर्वेशन से आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहला जो डिफॉल्ट आंसर हो सकता है आपका, वो ये हो सकता है कि भैया ये दिखने में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये दिखने में थोड़ा सिंपल है, बनाने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बनाने में बड़ा सिंपल है, तो इसलिए शायद ये सिंपल है ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ जो लाइन सेगमेंट्स मिलके आपके पॉलीगॉन को तैयार कर रही है, बना रही है, बिल्ड कर रही है, वो लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्रॉस ओवर, बराबर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है लाइन सेगमेंट्स द्वारा, जो कि आपके पॉलीगॉन को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नजारा ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नजारा नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, कोई भी लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्रॉस में नहीं आ रहे भैया, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। एक और एग्जांपल आपको मैं कॉम्प्लेक्स का देता हूँ, लेट से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बनाए, फिर एक और बनाए, फिर एक और बनाए, और फिर फाइनली मैंने ऐसे जोड़ दी, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये भी मेरा एक पॉलीगॉन है, ये स्टार्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया एक लाइन सेगमेंट से, यानी कि क्लोज कर दिया, एक क्लोज सर्किट बन गया। एक से ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट्स मेरे यहाँ पे मौजूद है, उससे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पॉलीगॉन तैयार कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो लाइन सेगमेंट मैंने फाइनली बनाई है, वो अपने पॉलीगॉन के अदर लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, तो ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन के एग्जाम्पल, और ये है सिंपल पॉलीगॉन का एग्जाम्पल। और ये भी सारे सिंपल पॉलीगॉन्स ही है, आप देख सकते हो कि कोई भी लाइन सेगमेंट आपके पॉलीगॉन की दूसरे लाइन सेगमेंट्स के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ पॉलीगॉन्स के ऊपर आते हैं, जो है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या मामला है भैया, ये कैसे पहचाने कि अगर आपको कोई दे दिया है पॉलीगॉन तो वो एक तरीके से कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? तो उसका सिंपल तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, अगर आपको पॉलीगॉन दे दिया गया है, ठीक है। जस्ट टेक एनीवेयर इन द पॉलीगॉन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट लो,
पूरे आपके पॉलीगॉन के अंदर कहीं पे भी। लेट्स से मैंने ये पॉलीगॉन में भैया ये दो पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक है, अब क्या करना है आगे बोलो। अब आगे ये करना है कि आपको उन दोनों को जोड़ना है एक लाइन के सहायता से, लाइन के सहायता से उन दोनों को जोड़ना है। तो चलो मैंने लाइन के सहायता से जोड़ दिया। अब आगे आपको ये देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि क्या लाइन जो है आपकी वो कम्प्लीटली विद इन द पॉलीगॉन लाई कर रही है या फिर आउटसाइड द पॉलीगॉन भी उसका कुछ हिस्सा जो है वो दिख रहा है आपको। तो यहाँ तो इस केस में दिख रहा है कि मुझे पूरी की पूरी जो लाइन है वो पॉलीगॉन के अंदर है, पॉलीगॉन के बाहर कोई भी उस लाइन का हिस्सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बोलोगे ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, दैट इज द डिफरेंस। अगर वो पूरी की पूरी लाइन जो है आपकी पॉलीगॉन के विदिन दिखाई दे रही है आपको, कोई भी दो पॉइंट्स पॉलीगॉन में ले लो, जोड़ दो, लाइन देखो, लाइन पॉलीगॉन के अंदर है बाहर है, अगर अंदर दिख रही है आपको कंप्लीटली तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अगर थोड़ा सा भी कुछ पार्ट ऑफ आपका लाइन जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है, लाई कर रहा है आपके पॉलीगॉन के बाहर, तो फिर आप कहोगे भैया ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। ये भी एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ एक लेता हूँ, तो ये पूरी कंप्लीटली लाइन पॉलीगॉन के अंदर है। कोई भी कहीं से भी दो पॉइंट ले लो, कहीं से भी उनको जोड़ो एक लाइन से, कहीं से भी ले लो, कोई भी जस्ट टेक एनी, बराबर है, सारी की सारी लाइन आपके पॉलीगॉन के अंदर है। यहाँ पे भी ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले, ये लिया, इसको जोड़ा, पूरी लाइन पॉलीगॉन के अंदर है। ये भी लिया, चलो ये भी लाइन पॉलीगॉन के अंदर है, सही बात है कि नहीं। तो ये तो हो गया भैया चीज कि दो पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर कंसिडर करना है, लाइन बनानी है, देखो पूरी अंदर है तो कॉन्वेक्स। अब आते हैं कॉनकेव की तरफ, ओके, कॉनकेव की तरफ आते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट लिया पॉलीगॉन के अंदर और दूसरा वाला लिया और इन दोनों को जोड़ दिया लाइन से। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप देखोगे कुछ पार्ट ऑफ लाइन है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइन ऐसा है जो कि मेरा पॉलीगॉन के बाहर पड़ रहा है, बाहर लाए कर रहा है, आउटसाइड द पॉलीगॉन दिख रहा है मुझे। तो ये सिंपल सा बता देना ये कॉनकेव है भाई साहब, ये क्या है, कॉनकेव है भाई साहब, ठीक है। अब यहां पे आगे जाना है और यहां आप देखोगे मैं लेता हूं ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट और इन दोनों को जोड़ता हूं तो एक लाइन जो है उसका कुछ पोर्शन बाहर है, दिखाई दे रहा है आउटसाइड द पॉलीगॉन। तो ये आपका क्या है, कॉनकेव है। यहां पे भी लो भैया ये पॉइंट देख लो, ये लाइन आपकी बाहर जा रही है कॉनकेव के, मतलब पॉलीगॉन के। तो ये क्या हो गया भैया, कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, Why this nature, why this behavior is happening? कुछ तो reason होगा ना इसके पीछे कि भाई ये जो है इसमें से एक भी line बाहर नहीं गिर रही है, ना उसका कुछ part बाहर है, ये completely अंदर है, उसे अपन convex बोल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ मात्रा में आपकी line segment जो है बाहर निकल रही है concave polygon के, जिसे अपन concave polygon बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, What's the nature? Reason क्या है? तो reason है भैया ये आंकड़ा, reason है ये आंकड़ा, 180 degree का आंकड़ा, ये बहुत important number है। यहाँ पे आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर जो पॉलीगॉन आपका फॉर्म हुआ है वहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना आपके पॉलीगॉन में, एंगल्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे एंगल्स आपके 180 डिग्री से लेस देन हैं। कॉन्वेक्स में सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, क्या है, लेस देन 180 डिग्री, ओके। देख लो भाई कहीं भी देख लो, ये वाला ले लो, ये वाला एंगल देखो लेस देन 180 डिग्री है, ये वाला एंगल ले लो लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, कुछ बच गया क्या, ये भी बच गया, लेस देन 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का बेसिक नेचर, जिस वजह से आप जो भी पॉइंट बना रहे हो उसकी लाइन कंप्लीटली अंदर लाई करती है पॉलीगॉन के। तो ये हो गया कंडीशन फॉर पॉलीगॉन। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए उल्टी कंडीशन, ग्रेटर देन, मतलब जो भी पॉलीगॉन है आपके जो कि कॉनकेव में गिने जाते हैं उनका कोई ना कोई एक ऐसा एंगल निकल आएगा जो कि 180 से ग्रेटर होगा 100%। तो ये परफेक्ट इक्वेशन है जो कि आपको समझनी है, इस तरफ है कॉनकेव पॉलीगॉन, इस तरफ है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में भाई ये सारे के सारे एंगल जो है आपको दिखाई देंगे लेस देन 180 डिग्री, और कॉनकेव में एक हर एंगल आपको ऐसा निकल आएगा जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। जैसे कि इस केस में भाई ये देख लो ना, ये सिंपल 180 डिग्री से ज्यादा है, ये देखो ये लगभग 270 डिग्री के आसपास है, 180 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे भी 180 डिग्री से ज्यादा है, बराबर है। तो ये बेसिक रीजन है कि जिस वजह से यहाँ पे अगर आप लाइन बनाते हो तो वो थोड़ी सी बाहर गिर जाती, दिख जाती है लाए होते हुए आपके पॉलीगॉन के बाहर, सिंपल सी बात है। तो ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स पॉलीगॉन से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।